दिव्या त्रिपाठी का आप सभी को सादर प्रणाम। आपके चरणों में प्रस्तुत है मेरी कविता भारत का सैनिक। वह हर व्यक्ति जो भारत के लिए जीने और मरने की क्षमता रखता है, भारत का सैनिक है। मेरी यह कविता इस देश के युवा पीढ़ी को जागृत करने की एक कोशिश है। रण मातृभूमि के लिए लड़ूं, रण मातृभूमि के लिए लड़ूं, बस इसी भाव से आया हूँ। है और नहीं कुछ चाह मुझे, है और नहीं कुछ चाह मुझे, मैं भारत माँ का चाया हूँ। रण मातृभूमि के लिए लड़ूं, बस इसी भाव से आया हूँ। है और नहीं कुछ चाह मुझे, मैं भारत माँ का चाया हूँ। मेरे जीते माँ के पग को, मेरे जीते माँ के पग को यह सागर धोता जाएगा। यदि शत्रु बढ़ाएगा पग तो, यदि शत्रु बढ़ाएगा पग तो सिर माँ चरणों में पाएगा। अब की आक्रांता के सिर को, अब की आक्रांता के सिर को माँ के चरणों में रख दूंगा। है भाव भगत सिंह सा मुझ में, है भाव भगत सिंह सा मुझ में, जो खोया है वह भी लूंगा। है भाव भगत सिंह सा मुझ में, जो खोया है वह भी लूंगा। यह जगत जानता है, यह जगत जानता है राणा के रण का रक्त सिराओं में, यह जगत जानता है राणा का रक्त, राणा के रण का रक्त सिराओं में। हम वंशज हैं रणवीरों के, हम वंशज हैं रणवीरों के, बल भीम का मेरी बुझाओं में। हम कब ये एहसास करेंगे कि हम वीरों के वंशज हैं? हम वंशज हैं रणवीरों के, बल भीम का मेरी भुजाओं में। रणजीत सिंह नलुआ के, रणजीत सिंह नलुआ के बल को सीने में ले चलता हूँ। रणजीत सिंह नलुआ के बल को सीने में ले चलता हूँ। है राष्ट्रभक्ति नेता जैसी अंगारों पर मैं चलता हूँ। है राष्ट्रभक्ति नेता जैसी अंगारों पर मैं चलता हूँ। संघर्ष शिवाजी का रखता, वो समय आ गया है जब भारत के लिए जीने और मरने की क्षमता रखने वाले लोग जागृत हो जाएं और संघर्ष करें उन विकारों को दूर करने के लिए जो भारत की प्रगति में बाधक बन रहे हैं। संघर्ष शिवाजी का रखता मैं सैनिक लाल बहादुर का, संघर्ष शिवाजी का रखता मैं सैनिक लाल बहादुर का, मैं काली माँ का पुत्र रक्त शत्रु का खप्पर में चखता, मैं काली माँ का पुत्र रक्त शत्रु का खप्पर में चखता। और आगे की पंक्तियां भारत के युवा को समर्पित हैं कि वह अपने आप को पहचाने। मैं बंदे सा वैरागी हूँ, महान योद्धा बंदा बहादुर, मैं बंदे सा वैरागी हूँ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मस्तक ना झुकने दूं माँ का मैं अपना शीश चढ़ा दूंगा, मस्तक ना झुकने दूं माँ का मैं अपना शीश चढ़ा दूंगा, मैं अपना शीश चढ़ा दूंगा। अंत में यदि मेरी कविता का एक शब्द भी आपके हृदय के किसी कोने में अंगार का अंकुर प्रज्वलित कर दे तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।